गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हमारा लेसन चल रहा है पापा जब बच्चे थे। हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। आज रीडिंग करेंगे पेज 23 पर। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पापा को बताया गया कि शंटिंग क्या होती है। इसी के नीचे आज पढ़ेंगे, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। गंवाना मतलब खोना। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज 24 पर। हम पेज 24 पर पढ़ रहे हैं अब। सबको बहुत अचंभा हुआ, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। मतलब सब कुछ बन जाएंगे पापा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान मतलब हवाई जहाज। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब एक्टर, अमिताभ बच्चन जैसे। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि वो बहुत ही कंफ्यूज थे। जिस भी काम को देखते थे उसी काम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, दो दो तीन तीन काम कर लूँगा, एक साथ चौकीदार भी बन जाऊँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके बच्चों।